जय माता दी। सूर्य अगर मकर राशि में नवम भाव में हो अर्थात भाग्य के घर में हो तो कैसा परिणाम देगा, आइए विस्तार से जानते हैं। ये मकर राशि की, मकर लग्न राशि की कुंडली है। मकर लग्न इसलिए क्योंकि जहाँ पे ल लिखा हुआ, लग्न लिखा हुआ है, स्वास्थ्य तन का कारक वहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। आप फिर से राइट साइड का टेबल देखें, 10 नंबर के सामने मकर लिखा है जिसके स्वामी शनि है। ये है पहला भाव। उसके बाद अगला भाव द्वितीय भाव कहाँ पे, जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो तीसरा भाव है, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है चौथा भाव, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है पांचवा भाव है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा है वो छठा भाव, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है वो है सप्तम भाव, और जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो है अष्टम भाव, और जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, जहाँ पे हमने सूर्य देवता को दिखाया हुआ है, वो है नवम भाव जो कि भाग्य का कारक है। ठीक है, अब सूर्य देवता कहाँ बैठा है, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर फिर से राइट साइड का टेबल देखिए, वो कौन सी राशि है, कन्या राशि है और उनके स्वामी बुध है, मतलब बुध के घर में सूर्य बैठा है। बुध और सूर्य की दोस्ती एक अच्छी चीज़ हो गई। बुध के पास 2 घर है, एक है 3 नंबर, दूसरा है 6 नंबर। एक है रोग शत्रु ऋण मुकदमा का कारक और दूसरा है 6 नंबर जो कि भाग्य का कारक। तो भाग्येश में सूर्य बैठा है, लेकिन सूर्य देवता का खुद का घर कौन सा है, 5 नंबर जो कि सिंह राशि। फिर से राइट साइड का टेबल देखिए, 5 के सामने सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य देवता है। ठीक है, तो सूर्य 5 नंबर यानी कि अष्टमेश के स्वामी होकर के नवमेश में बैठ गए। अब क्या हो ये समझने की बात है। सूर्य मित्र के घर में बैठा है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन सूर्य अष्टमेश है ये बुरी चीज़ है, और भी मकर राशि में, मतलब शत्रु की राशि में। मतलब कहने का तात्पर्य है जो लग्नेश है, लग्नेश इनका शत्रु है और वो बैठे है भाग्य में, तो यहाँ पे प्रभाव मिला जुला होगा, क्योंकि सूर्य मकर राशि में शुभ तो नहीं माने जाएंगे क्योंकि वो अष्टमेश है, लेकिन वो मित्र के घर में बैठे है, भाग्य में बैठे है, तो कई बार व्यक्ति का भाग्य ऊपर भी ले आएंगे और कई बार उनको नीचे भी ले आएंगे। साथ ही साथ उनकी जो दृष्टि कहाँ पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। फिर से ऊपर का टेबल देखिए, दृष्टि में सूर्य के सामने नीचे लिखा हुआ केवल एक ही दृष्टि होती, सातवीं दृष्टि। तो सूर्य की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ी, भाई बहन पराक्रम, हमने लाइन से दिखाया हुआ देखिए सामने 12 नंबर के आसपास, वो है गुरु का घर, मित्र का घर है, तो वहाँ भी मिली जुली प्रक्रिया होगी। कई बार सूर्य कुछ मनमुटाव भी करेंगे, लेकिन फिर से वो रिश्तों को बना देंगे, तो यहाँ पे मिला जुला असर रहेगा सूर्य का। अब हम बात करते हैं सूर्य की युति की। अगर सूर्य की युति मंगल से हो जावे, मंगल देवता जो कि मकर राशि में कहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब उनका घर कौन सा है, 1 नंबर 8 नंबर राइट साइड का टेबल देखिए, 1 नंबर के सामने मेष राशि स्वामी मंगल है, 8 नंबर के सामने वृश्चिक राशि स्वामी मंगल है। तो मंगल के पास 2 घर है, एक है 1 नंबर, दूसरा है 8 नंबर अर्थात चौथा भाव और एकादश भाव, 11वां भाव। तो चौथा भाव किसका है, माता मकान गाड़ी का है, और 11वां भाव किसका है, आय और लाभ का है। अगर सूर्य के साथ मंगल आते हैं, मंगल और सूर्य मित्र है, और जिसके घर में बैठे हैं 6 नंबर वो बुध का घर है, वो भी इनका मित्र है, तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। तो यह भाग्य बनाएगा और व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काम या यूं कहें एसेट बनाने में मदद मिलेगी। व्यक्ति के पास बहुत सारे मकान गाड़ी इत्यादि हो गया, उसको आय, उससे उसको लाभ होगा, उससे उसको धन संचय करना आसान हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कुंडली विवेचना कैसी की जाती है, ये बहुत ही डिटेल में आपको बताऊँ, जल्दी कोई बताएगा नहीं। अब हम बात करते हैं अगर, लेकिन कंडीशन है मंगल अस्त ना हो, ध्यान रखना इस बात को। अब बात करते हैं सूर्य के साथ अगर बुध आ जाए, बुध देवता अगर आते हैं तो वो स्वराशि में होंगे, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बुध देवता भले षष्ठेश के भी मालिक है, लेकिन यहाँ पे आने के कारण है कारक बनेंगे, वो भाग्य बनाएंगे व्यक्ति का, भाग्य बहुत ही प्रबल करेंगे और उसका पराक्रम बढ़ा देंगे, उसको पिता की संपत्ति मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, वो विद्वान होगा और बहुत ही आगे जाएगा, यहाँ तक कि धन योग का कारक बनेंगे बुध यहाँ पे सूर्य के साथ, जो बुध आदित्य योग है उसको शक्तिशाली बना देंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य के साथ अगर गुरु महाराज आ जाए तो क्या होगा। गुरु के 2 घर है, एक है वह हानि जेल विदेश 9 नंबर, दूसरा है 12 नंबर भाई बहन पराक्रम। फिर से राइट साइड का टेबल देखिए, 9 नंबर है धनु राशि और 12 नंबर है मीन राशि जिनके स्वामी गुरु महाराज है। तो सूर्य देवता के साथ गुरु महाराज आने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को भाई बहनों से लाभ मिलेगा, उसका पराक्रम बढ़ेगा, ये अच्छे शुभ संकेत होंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सूर्य के साथ अगर चंद्र देवता आ जाए, चंद्र देवता कहाँ के मालिक है, वो है सप्तमेश के, जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर अर्थात जीवन साथी साझेदा व्यापार। राइट साइड का टेबल फिर से देखिए, 4 नंबर के आगे कर्क राशि स्वामी चंद्र है,
तो सप्तमेश यहाँ पे बैठे हैं भाग्य में सूर्य देवता के साथ, भले अमावस्या दोष है लेकिन ये यहाँ पे मिला जुला प्रभाव डालेगा। सूर्य जहाँ पे इनको मदद कर रहा है वहीं पे ही चंद्र के साथ अमावस्या दोष बनाने के कारण भाग्य को कई बार पीछे भी खींचेगा, लेकिन विवाह के बाद इनकी उन्नति होने निश्चित है क्योंकि विवाह के कारक यहाँ बैठे हैं, तो सूर्य देवता इनका भाग्य बना देंगे। लेकिन विवाह तक इनको अड़चने आने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं सूर्य के साथ अगर शुक्र देवता आ जावे तो क्या होगा। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे शुक्र देवता कौन से दो घरों के मालिक है, एक है विद्या संतान के मालिक है, दूसरा है पिता कम व्यापार के मालिक है। तो अर्थात व्यक्ति का जो भाग्य है वो कब बनेगा, उसकी पढ़ाई से बनेगा, उसकी संतान से बनेगा और उसके पिता से सहयोग मिलेगा, उससे ही वो आगे जाएगा, उच्च पद प्राप्त कर सकेगा। अब अगर भाग्य में सूर्य के साथ शनि देवता आ जाए तो क्या होगा, ये एक बहुत ही गंभीर मामला बन जाएगा क्योंकि शनि देव लग्नेश है और धनेश भी है, लेकिन सूर्य और शनि की पिता पुत्र की आपस में नहीं बनती। देखिए शनि देव के पास दो घर है, 10 नंबर 11 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि है, दोनों के मालिक स्वामी, आप राइट का टेबल फिर से देख सकते हैं। तो अगर शनि और सूर्य भाग्य बैठ जाएंगे तो उनका भाग्य गोते खाएगा, कभी सूर्य भाग्य बनाएगा कभी शनि उनको नीचे गिराएगा, और कभी लग्नेश होने के कारण शनि मदद करेगा तो सूर्य उनको नीचे गिराएगा। हालांकि सूर्य ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, यहाँ पे शनि दिक्कत देंगे क्योंकि शनि पिता को अपने अर्थात सूर्य देवता को शत्रु समझता है। तो क्योंकि सूर्य इनका पिता है तो उस व्यक्ति का जो भाग्य उदय है जहाँ तक है या तो पिता से दूर होने पे होगा या तो पिता की मृत्यु के बाद होगा, ये माना जा सकता है। लेकिन निरंतर संघर्ष जीवन में बना रहेगा क्योंकि सूर्य और शनि साथ में है। खैर और भी कारक है, इस पर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो शनिदेव उतने घातक नहीं होंगे, डिपेंड करता कुंडली की विवेचना डिटेल में करना आवश्यक हो जाती है। अब हम बात करेंगे सूर्य के साथ राहु या केतु आ जा रहे। देखिए सूर्य के साथ राहु या केतु बहुत ही घातक परिस्थिति होती है कि सूर्य के साथ अगर राहु या केतु कोई भी आ जावे तो वो बना देंगे ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष। अगर सूर्य का ग्रहण हो जावे तो व्यक्ति तो ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। तो अगर सूर्य का ग्रहण होता है, अगर यहाँ पे राहु आएंगे तो केतु कहाँ चले जाएंगे, जहाँ 12 नंबर लिखा है तृतीय भाव में, अगर यहाँ केतु आएंगे तो राहु वहाँ चले जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो राहु या केतु आने का तात्पर्य है कि उसका भाग्य कमजोर हो जाएगा, और सूर्य पे ग्रहण लगना मतलब सूर्य एक अष्टम भाव के स्वामी हैं तो व्यक्ति को शारीरिक तौर पे दिक्कत रह सकती है, बीमारी रह सकती है। प्लस भाई बहन पराक्रम अर्थात पराक्रम भी कमजोर होगा, भाई बहन से भी विवाद बनेगा। तो सूर्य के साथ अगर राहु केतु में से कोई भी एक साथ आ जाते हैं तो यह युति नुकसानदायक साबित होगी। बस ध्यान रखना कि राहु केतु तो छाया ग्रह, इनको छोड़ दिया जाए, बाकी कोई ग्रह अस्त ना हो। अगर अस्त होते हैं तो भाग्य कमजोर हो जाएगा, और जिन जहाँ के स्वामी होंगे वो, जैसे अगर शुक्र अस्त होता है तो 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी यहाँ पे, 5वें भाव और 10वें भाव के, तो वो खाना कमजोर हो जाएगा, तो उसका उपाय करना आवश्यक हो जाएगा। जय माता दी।